हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम पन्ना की रेसिपी, जिसे आप केरी का पानी भी बोलते हैं। केरी का पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके कई फ़ायदे हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। गर्मियों में रोज़ आम पन्ना पीने से हमारी पेट की समस्याएँ दूर होती है। गर्मियों में आम पन्ना हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये हमें लू लगने से बचाता है। आम पन्ना हमारे शरीर में पाचन क्रिया तो दुरुस्त करता ही है। तो आइए अब हम आम पन्ना बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं ये चार आम, ये आधा किलो आम है। सबसे पहले हम इन आम को छील लेंगे, इसके छिलके उतार कर इसका पल्प निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने केरी के छिलके उतार कर उसका पल्प निकाल लिया है। लोग केरी का पानी कई तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग केरी को बॉईल करके फिर उसके छिलके उतारते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। इसे बनाने में ज़्यादा आसानी लगती है, इसीलिए मैं इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। बाकी आपके आपकी चॉइस है। तो मैं इस केरी को एक बर्तन के अंदर डाल दूँगी। उसके बाद मैं उसमें एक गिलास पानी डाल दूँगी। इसके अंदर मैं ये दो काली मिर्च डाल दूंगी। आप चाहें तो तीन से चार काली मिर्च डाल सकते हैं। अब मैं इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर बॉईल करूंगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी केरी जो है अच्छे से बॉईल हुई है या नहीं। अब हम इसे नाइफ की हेल्प से चेक करेंगे। इस तरह से हमारी केरी जो है बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे लगभग 10 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पल्प जो है वो ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर से मैं ये काली मिर्च निकाल लूँगी। आप चाहे तो इस काली मिर्च को भी इस पल्प के साथ पीस सकते हैं, बट मैं इसे निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये 8 टेबल स्पून शुगर, 2 चम्मच सौंफ, ये 8 से 10 पुदीने की पत्तियाँ। अब आप इन सबको ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लें। देखिए दोस्तों, मैंने पल्प को बहुत अच्छे से पीस लिया है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे और फिर इस पल्प को छान लेंगे ताकि इसके अंदर पुदीना और केरी के जितने भी रेशेज हो वो ऊपर ही रह जाए। देखिए, मैंने पल्प को छान लिया है और ये सारे रेशेज ऊपर ही रह गए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 इलायची का पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। अब मैं इस सबको इस पल्प के अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 लीटर पानी। अब मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी। आप इसमें शक्कर या नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी का यूज़ किया है। आप इसमें हाईएस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी का यूज़ कर सकते हैं। आप 500 ग्राम केरी से लगभग 3 लीटर केरी का पानी बना सकते हैं। अब हमारा आम पन्ना पीने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।